कविता को विस्तार से जाना। उसके बाद हम टेक्स्चुअल क्वेश्चन जो हमारे अभ्यास के दौरान दिए गए हैं हम उन्हें सुनते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? एक जगत एक लोक कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हम सब एक ही मालिक की संतान हैं। जिस तरह से यह सृष्टि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, उसी तरह से हमें भी किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव या कोई भी अनैतिकता नहीं करनी चाहिए। एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त का अर्थ समझाइए। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, लेकिन सबके अंदर एक जैसा लाल रंग का खून रगों में दौड़ता है। सबके रगों में बहने वाला खून एक ही रंग का होता है, ना कि अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म प्रगति, न्याय, मानवता का होना चाहिए। हमारा धर्म प्रगति, न्याय, मानवता का होना चाहिए। हमारा जीवन सुख दुख की कहानी, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी कविता में कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य के जीवन में सुख दुख धूप छांव जैसे होते हैं, जो सबके ऊपर आगे पीछे आते रहते हैं। सुख और दुख जीवन का एक चक्रव्यूह है जिसमें मनुष्य के जीवन काल में एक साथ चलता रहता है। नेक्स्ट है ग्रामर पोर्शन देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण के वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखो। इसमें हमें वर्ण, वर्ण मतलब पहला शब्द जो होता है हमारा, उसके अनुसार हमें कुछ अक्षर तैयार करने हैं, कुछ शब्द तैयार करने हैं। जैसे इसमें फर्स्ट उदाहरण दिया हुआ है, क से कोआ, कमल, कागज़, कोशर। वैसे ही ग से हम गमला, ग से और भी आप के अनुसार आप शब्द बना सकते हैं। अगर आपको शब्द बनाने में कोई दिक्कत ना हो तो आप इस तरह के शब्द बना सकते हैं। गमला है, गौरी है, गणपति है, घ, घ से घड़ी, घड़ियाल, च, च से चम्मच, चना, म, म से मछली, मस्तक, माथा। अब शब्द सारणी देखते हैं। शब्द सारणी में यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे बाइबल, बाइबल एक ग्रंथ का नाम है। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब, यह भी एक ग्रंथ का नाम है। इस वर्ग पहेली में से आपको धर्म की जो पुस्तक होती है, धर्म के अनुसार जो हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं, होली बुक्स होती हैं, उनके नाम इसमें दिए हुए हैं। वह हमें सारणी के अनुसार छांटने हैं जो आप चुनोगे। नेक्स्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय में हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि प्रकृति के इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? आप इस काव्य को और कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? सभी नदियाँ अलग अलग हैं, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व हैं चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? काव्य का शीर्षक
एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक इसलिए रखा गया है, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, पूरे विश्व में एक ही तरह की हवा चलती है, पूरे विश्व में एक ही तरह का पानी बहता है, पूरे विश्व में सबके जीवन में उसी तरह से सुख दुख आते जाते हैं, सभी मनुष्यों का शरीर हाड़ मांस का और एक जैसी हड्डियों का बना हुआ रहता है। उसी तरह से कवि ने पूरे विश्व की एकता को सिद्ध किया है, इसीलिए इस कविता का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। आप नेक्स्ट, आप इस काव्य को कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धारा तथा हम सब विश्व बंधु। सभी नदियाँ अलग अलग हैं फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? सभी नदियाँ अलग हैं फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग होता है, इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें विलोम शब्द बताने हैं, विरोधार्थी, विलोम को हम विरोधार्थी शब्द भी कहते हैं। यहाँ पर सर्कल में हमको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसी में हमारे विलोम हैं और उसी में हमारे उसके अर्थ हैं। जैसे पास का दूर, जड़ का चेतन, दास का स्वामी, प्रकाश का अंधकार, जीवन का मृत्यु, शुभ का अशुभ। अब ये जो शब्द हमने बनाए हैं इनसे हम वाक्य बनाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है पास और दूर का, मेरे घर के पास मीना का घर है, तो यहाँ पर पास विलोम जो पास था उसका यहाँ पे एक वाक्य बनाया है। नेक्स्ट है उसका विलोम दूर, मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है, यहाँ पर उसके विलोम का उसके अपोजिट का दूसरा वाक्य बनाया गया है। उसी तरह से हमें यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्द के शब्द का और उनके विलोम का दोनों का एक एक करके वाक्य बनाना है। उदाहरण के नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। समान प्रास वाले जैसे आना जाना, खाना पीना, इस तरह के सुनकर बुनकर, सुनकर पढ़कर, सेठानी जेठानी, इसमें से जो शब्द हैं यह हमें चुनने हैं और जैसे फर्स्ट है सुनकर और पढ़कर, ये समान प्रास हो गए। दूसरा है सेठानी और जेठानी, मेहरबान और बागबान, ये एक जैसे आन आन इन दोनों के पीछे है, आनी आनी इन दोनों के पीछे है, कर और कर इनके पीछे एक समान प्रास लगा हुआ है, तो ये एक जैसे उच्चारण वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, जिसमें समानार्थी, समानार्थी मतलब सिनोनिम्स, जिसमें हमें समान अर्थ बताना होता है। जैसे लोक को हम क्या क्या बोलते हैं? विश्व बोलते हैं, जगत बोलते हैं, दुनिया बोलते हैं। इस वर्ग पहेली में से हमको इनके समानार्थी शब्द ढूंढने हैं। लोक का क्या क्या हो गया? विश्व और दुनिया, दुनिया यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट है मान, मान का सम्मान, सम्मान और मान, मान का हो गया सम्मान और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब भी मान होता है। निशान का चिन्ह और संज्ञा, हाथ का हस्त और पानी, अंबर का आकाश और आसमान। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा सेवन नंबर, यहाँ पर हमें नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य बनाना है। जो संज्ञा है वह ढूंढनी है और उन संज्ञा का हमें वाक्य बनाना है। संज्ञा किसी भी वस्तु जगह के नाम को कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि कमल, कमल एक फूल का नाम है, तो फर्स्ट वर्ड बन गया कमल। नेक्स्ट है सागर, सागर, फिर है भारत, भारत, फिर है हिमालय, हिमालय,
हिमालय। दूसरा है आती कमल है, तालाब में कमल के फूल खिले हैं। सागर, सागर बहुत गहरा होता है। भारत, भारत हमारा देश है। हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, हम रोज ईश्वर की आरती करते हैं। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं।